Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. I'm Gunjan Malhotra. I'm an overseas education consultant and a career counselor. आज के इस particular video में मैं Spain का जो student visa application का process है उसके बारे में आपको step by step details में बताऊंगा. अगर हम लोग स्पेनिश स्टूडेंट वीज़ा की बात करें, उसके प्रोसेस की बात करें, तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो प्रोसेस, मतलब जो पार्ट होता है, जो स्टेप होता है, दैट इज़ अपॉइंटमेंट बुकिंग. अब इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है VFS. आप लोग सभी जानते हैं, इट्स वेरी फेमस बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जो वीज़ा एप्लीकेशन का जो केस होता है, जो प्रोसेस होता है, वो VFS ही हैंडल करता है. तो कमिंग टू द स्पेन, एक ऑर्गेनाइजेशन है VFS जिसके साथ स्पेन की गवर्नमेंट का टाई अप है. तो आपको VFS की सर्विसेज को यूज करके वीज़ा एप्लीकेशन स्पेन के लिए करना पड़ता है. सबसे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है. अब अपॉइंटमेंट जो आप बुक करते हो उसके लिए आपको, अगर आप लेट्स से कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो, तो आपको एम्बेसी ऑफ स्पेन जो कि न्यू दिल्ली में है उनको कांटेक्ट करना पड़ता है. और अगर आप सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हो, और लेट्स से कि आप बॉम्बे के पास हो, तो आपको जनरल कंसुलेट ऑफ स्पेन मुंबई को कांटेक्ट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट लेने के लिए. अब अपॉइंटमेंट लेते कैसे हैं मैं आपको वो बताता हूँ. अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको VFS के थ्रू इनको कांटेक्ट करना पड़ता है. एंड इनको कांटेक्ट करने के लिए दो अलग ईमेल आईडीज अवेलेबल है. पहला न्यू दिल्ली के लिए जो कि ऊपर हाईलाइट हो रहा है, दूसरा मुंबई के लिए जो कि नीचे हाईलाइट हो रहा है. तो आप इन दो ईमेल आईडीज को यूज़ करके अपनी लोकेशन के हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो. एंड एक पॉइंट आपको मैं और बहुत पर्टिकुलरली कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करते हो वीज़ा एप्लीकेशन का स्पेन में पढ़ने जाने के लिए, आपको पर्सनली जाके, अगर आप दिल्ली में एम्बेसी जा रहे हो या मुंबई में कंसुलेट जनरल के पास आप वहाँ उनके ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको पर्सनली जाके अपनी वीज़ा फाइल जो है वो सबमिट करनी पड़ती है. अदर देन दिस, एक पॉइंट में और आपको ये बताना चाहूँगा कि वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है स्पेन के केस में, विच इज़ अराउंड 4388 और लेट्स से 4400 इंडियन रुपीज़. आपको इस पर्टिकुलर अमाउंट का, 4388 INR के अमाउंट का एक ड्राफ्ट बनाना पड़ता है. इन केस अगर आप दिल्ली में जाके एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपका जो ड्राफ्ट है शुड बी पेएबल एट दिल्ली इन फेवर ऑफ एम्बेसी ऑफ स्पेन न्यू दिल्ली, ये होना चाहिए. वेरस अगर आप मुंबई से कर रहे हो तो पेएबल एट मुंबई होना चाहिए इन फेवर ऑफ जनरल कंसुलेट स्पेन मुंबई. एंड आपको एक पॉइंट में बहुत हाईलाइट करके और बताना चाहूँगा कि जब आप ड्राफ्ट सबमिट कर रहे हो अपना, तो ड्राफ्ट के बैक साइड में आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन होना चाहिए और आपका नाम. ये तीन चीज़ें जो हैं ये क्लियरली मेंशन होनी चाहिए जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल सबमिट करने जाते हो. आई होप हमारा जो ये वीडियो है आपको स्पेन का स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन में प्रोसेस करने में हेल्प करेगा. आई रिक्वेस्ट यू कि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, या आप किसी भी कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हो, या अगर आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ड्यूरिंग आर ऑफिस आवर्स. मंडे से सैटरडे 10 AM से 7 PM के बीच यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम ओवर द फोन. और अगर आपको कोई क्वेरी है जिसका आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं. एज एंड वेन कन्वीनियंट हम लोग आपको रिवर्ट करेंगे उसमें, बट विल मेक श्योर कि वो एज सुन एज पॉसिबल हो. एंड आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी हिट कीजिए, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से और फैमिली मेम्बर्स से भी हमारे चैनल के बारे में डिस्कस कीजिए, उनको भी बताइए, सो दैट किसी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए. मे गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग.